अगर करना चाहते हैं अपने देश और राज्य की सेवा तो हो जाइए तैयार। झारखंड पुलिस में कांस्टेबल की बंपर बहाली, 4000 से ज्यादा पदों पर एक साथ बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल की बंपर भर्ती निकाली है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के 4919 पदों पर भर्ती के लिए 15 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। यह भर्ती गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिला इकाई के कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। कुल वैकेंसी में रेगुलर के 3799 पद हैं और बैकलॉग में 1120 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2024 तय की गई है। इस भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को अलग से कोटा मिलेगा। आइए जानते हैं झारखंड पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए एक उम्मीदवार में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता, आपने किसी भी विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास की हो। दूसरी योग्यता, आपकी उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट मिलेगी। अनारक्षित EWS, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC/ST पुरुष व महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 से होगी, जबकि न्यूनतम आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से होगी। तीसरी योग्यता, आपकी कदकाठी, अनारक्षित व AWS वर्ग के उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर हो। SC व ST पुरुषों की कम से कम 155 सेंटीमीटर लंबाई हो और सीना 79 सेंटीमीटर हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग कम से कम 160 सेंटीमीटर लंबाई हो और सीना 81 सेंटीमीटर हो। महिलाओं के लिए लंबाई कम से कम 148 सेंटीमीटर हो। अगर आप भी झारखंड पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको परीक्षा के 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ पास होना जरूरी होगा। मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इसमें पास अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में पास अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें 2 पेपर होंगे। हर प्रश्न 3-3 अंक का होगा। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। पहला पेपर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का होगा। दूसरा पेपर हिंदी भाषा, न्यूमेरिकल, सामान्य ज्ञान के सवालों पर होगा। फिजिकल टेस्ट में पुरुषों को 60 मिनट में 10 किमी दौड़ना होगा, वहीं महिलाओं को 30 मिनट में 5 किमी दौड़ना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षण को ध्यान में रखकर बनेगी। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे जरूरी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।